So the first allegation that Karan Mehra put on me, you ready to play it? We're going to show you some facts. जो कुछ भी मैं बोलूंगी दैट इज गोना बी फैक्ट बेस्ड, दैट इज नॉट जस्ट माय फीलिंग, इट्स एक्चुअली वेरी फैक्चुअल. सो आई एम गोना काउंटर अ फ्यू पॉइंट्स. द फर्स्ट वन बीइंग, निशा कैन यू गो इन हिंदी, आई एम गोना ट्राई सर्टेन थिंग्स. सो द फर्स्ट वन इज सेक्शन 377, जो करण ने कहा कि मैंने सी 377 का सेक्शन उन पर, उनके पेरेंट्स पर और उनके भाई पर लगाया. मैं चाहती थी कि you know, I should show you this side by side. सबसे पहली बात तो ये misrepresent किया गया है और ये बहुत ही shameful act है कि आप खुले में आकर इसको एक मीडिया ट्रायल बना रहे हो जब आपका एक कोर्ट केस चालू है. तो अगर आपको कोई शिकायत है या आपका कोई काउंटर एलिगेशन है या आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी है तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम मौजूद है. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज अ मीडिया ट्रायल हैपनिंग, बिकॉज व्हाट इज इट गोइंग टू गिव यू, उससे आपको क्या मिलेगा, यही फेम. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ दिस होल मीडिया ट्रायल. और मैं ये इसलिए करना चाहती थी बिकॉज आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस मीडिया ट्रायल बिफोर इट बिकम्स अ फुल ब्लोन वन, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस. सो अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि FIR के पहले पेज पर एक तरफ सेक्शंस या धाराएं लिखी होती हैं और दूसरी तरफ उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन पर ये धाराएं या सेक्शंस लगाई गई हैं, जिन्हें एक्यूज भी कहते हैं. इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक धारा या हर एक सेक्शन उस हर एक एक्यूज पर लगाई गई है. दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लॉजिंग एन FIR. मैंने एक आम इंसान की तरह अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में जाकर दी और पुलिस को उस कंप्लेन के बिना पर जो धाराएं सही लगी उन्होंने लगाई. दिस इज नॉट मेड बाय मी, दिस सिस्टम इज नॉट मेड बाय मी. एनी डिसेंट मैन वुड नॉट टॉक अबाउट दिस ओपनली. 377 का जो सेक्शन है उसे बहुत ही सेंसिटिव सेक्शन माना जाता है, जहां पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी एक बहुत ही डिग्निफाइड और प्राइवेट तरीके से होती है. आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी एक फीमेल होता है और यू नो इट्स डन इन अ वेरी कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट एंड अ डिग्निफाइड मैनर. उसको इस तरह से मीडिया में आकर उछालना, क्योंकि ये 377 वाली बात मैंने तो आप लोगों को नहीं बोली थी, करण नहीं बोली थी, इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू. आफ्टर ऑल आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड, यू हैव लिव्ड विद मी फॉर 13 ईयर्स. अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपको कोई चीज़ लड़नी है मुझसे, तो उसके लिए हमारा जुडिशियल सिस्टम है. एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि करण के जो लॉयर हैं वो एक औरत हैं और ये होते हुए अच्छे से, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी लाइफ का पहला केस है, बट आई एम श्योर फॉर द लॉयर इज नॉट द फर्स्ट केस, राइट? आई एम श्योर शी इज अवेयर अबाउट दीज थिंग्स एंड शी इज स्टिल पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग दीज यूट्यूब वीडियोज विद हिम. इट्स अ कंप्लीट शेम. टू कंक्लूड दिस पॉइंट ऑफ 377, आई वुड लाइक टू से कि अगर मैंने ये सेक्शन किया होता तो खुले आम में आकर मैं अपनी ही बात काउंटर नहीं करती, बिकॉज दैट वुड बी स्पॉइलिंग माई केस. दिस वॉट आई एम डूइंग हियर टूडे एंड टेलिंग यू ऑल इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज प्रूफ एंड अटैच्ड इन कोर्ट एंड आई वॉन्ट दैट टू हैपन. वन टू, आई हैव ऑल्सो इन्फॉर्म्ड दिस टू माई मैरिज काउंसिलर एट द फैमिली कोर्ट कि करण मेहरा ये सब कर रहे हैं एंड ये रूमर्स मेरे बारे में फैला रहे हैं और प्लीज़ उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो ये करना रोकें. तीसरी बात, आई हैव फाइल्ड अ कंप्लेन इन द पुलिस स्टेशन एवर सिंस ही स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोज. फोर्थ, द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद प्रूफ लाइक दैट हैज बीन अटैच्ड इन द कोर्ट एंड आई एम टेकिंग अ लीगल एक्शन अगेंस्ट सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड सच अ स्ट्रॉन्ग एलिगेशन. That comes to the end of 377.